प्लीज कंफर्म करें आवाज आ रही है। हेलो हेलो जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मुझे एक ट्रिप पे जाना पड़ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, बट आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग बहुत एक्साइटिंग है, किसी ने मिस नहीं करना। आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट टैक्टिक्स मैं बताऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके काम आएंगे आगे। सिर्फ हम 5 मिनट का वेट देंगे ताकि अगर किसी ने ज्वाइन करना कोई लेट हो रहा है उसको जाने के लिए एग्जैक्ट 8:50 पे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। मेरे स्क्रीन 1 सेकंड के लिए बंद की है, प्लीज परेशान ना होइएगा, स्क्रीन मैंने 1 सेकंड बंद की है। प्लीज़ कंफर्म कर दें। आप लोगों के अगर कोई पुराने कोई क्वेश्चंस हो, किसी के पास कोई पुराना है कोई क्वेश्चंस, तो वो भी आज पूछ सकते हैं। आप लेक्चर के स्टार्ट पे पूछना हो तो पहले ही अभी से लिख लें ताकि मैं स्टार्टिंग में बता दूं, और अगर बाद में पूछना हो तो ड्यूरिंग वेबिनार ही आप पूछ लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर हम इसी में डिस्कस भी कर लें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशियल। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सो
सूरह रहमान की आयत है, फबी अला रब्बिक मतकज़िबान देन विच ऑफ़ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। नहीं, हम किसी नेमत को नहीं जुटलाएंगे जी। वालेकुम अस्सलाम फवाद भाई, आपका क्वेश्चन मेरे पास आ गया है। फवाद भाई इसका आंसर तो आसान ये है कि आप उसका साइड मैप जाके देख लें, तो साइड मैप से यूजली पता चल जाता है कितना है। सेकेंडली हम गूगल पे भी देख लेते हैं, लेट से अगर हमने किसी साइट को देखना हो कि उसके कितने पेजेस हैं, तो एक अप्रोक्सीमेशन निकालने का आसान तरीका ये है कि हम जाएं गूगल के ऊपर और जाके हमने यूँ लिख देना है साइट तो मेरे पास टोटल आ गया कि जनाब अराउंड 294 जो है ना पेजेस हैं इस वेबसाइट के ऊपर। आवाज़ आ रही है जमान, प्लीज कंफर्म करें आवाज आ रही है। ठीक है, अच्छा आप फवाद भाई आपने यहाँ जाना है और जाके आपके सामने आ जाएगा कितने हैं। यूजुअली सेकंड तरीका ये भी होता है कि देखना होगा, ओके जी आप साइट में आप देख लेंगे जनाब। यूजुअली ना कुछ साइटों के साइट मैप होते हैं, मैंने अपना नहीं बनाया हुआ, बट लेट से हम कोई साइट बताएं जिसका देखना हो। आपकी साइट का नाम बताएं फवाद भाई, और आवाज आ रही है। बता दो मैं गया ना तो कर दिया। अच्छा फवाद भाई कोई वेबसाइट का नाम बताएं जिसको हम एनालाइज करें, उसकी साइट का देखने को कितने पेजेस हैं। चले हम लेट से गेम्स फॉर यू डॉट पी के देखते हैं। अच्छा यूजली क्या होता है कि हम इसका देखते हैं साइट मैप, कुछ का साइट मैप होता है तो वो यहाँ से पता चल जाता है। ये देखें ये साइट मैप है, अब साइट मैप खोलेंगे, एक ये खोलना है और एक हमने क्या करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाके हमने ये डाल देना है। ठीक है, अब देखिए इसके अराउंड 3460 रिजल्ट है, तो अराउंड 3000 के करीब जो है ना इसके पेजेस हैं। ठीक है, 3000 प्लस पेजेस हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका है साइट मैप के जरिए जाके देखने का। ठीक है, ठीक हो गया फवाद भाई, देखने का तरीका पता चल गया, तो फिर हम अच्छा ये मोहम्मद रजा भाई हैं कौन, पहले तो ये बताया ना ये मोहम्मद रजा भाई। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा इसका आसान तरीका मैं आपको जो है ना बताता हूँ कि अगर हमें देखना हो कीवर्ड की सर्चेस कितनी हैं किसी शहर में, तो हम जाते हैं गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करते हैं इसमें। लेट से हम चले जाते हैं किसके क्लाइंट के, इस अकाउंट के क्लाइंट में जाते हैं। ठीक है, हम जो है ना कीवर्ड प्लानर को यूज़ करेंगे, गूगल एडवर्ड्स की कीवर्ड प्लानर को, वो हमें सिटी बाय सिटी बता देगा, कोई इशू नहीं है उसके साथ। ठीक है, ये गूगल एडवर्ड्स में है, टूल्स टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आते कीवर्ड प्लानर। ठीक है, ये यहाँ जाना है हमने। ठीक है, अच्छा अब लेट से मैं कहता हूँ न्यूयॉर्क, ये देखिए मैंने यहाँ से लोकेशन सेव कर ली न्यूयॉर्क। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट से क्या सर्च करूँ, iPhone 7। ठीक है, तो मेरे सामने आ गया कि एवरेज मंथली सर्चिज हैं 3,01,000 कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ से मैंने न्यूयॉर्क सिटी डाली। ठीक है, पता लग गया रजा भाई आपको कि कैसे हम करते हैं। अच्छा
अब हम वापस आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर है बहुत मज़ेदार है, बिकॉज आज हमने तीन चीज़ें डिस्कस करनी है, ऑफ पेज एसईओ, कंपेटिटर एनालिसिस, वेबसाइट वर्सेस यूट्यूब एसईओ, जिसमें केस स्टडी है मेरी अपनी वेबसाइट की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उसे भी हम डाटा लेंगे, डिस्कशन करेंगे आपस में कि क्या हमें यहाँ से लर्निंग क्या मिल रही है और हमें वाई स्पेंडिंग क्या करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा पहले तो थोड़ा सा हम ऑफ पेज एसईओ को समझ लें कि ऑफ पेज एसईओ है क्या। ये डेफिनेशन थी, मैंने विकीपीडिया से ली थी, ठीक है, मैं यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया, मैं मेंशन कर देता हूँ, सोर्स विकीपीडिया, ठीक है। बेसिकली ये ऑफ पेज एसईओ वो टेक्निक्स हैं जो हम अपनी साइट से हट के करते हैं, दूसरों की साइटों पर करते हैं, उसको हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। दूसरों की साइटों पर, दूसरी जगहों पर करते हैं, उसको हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं, ठीक है जी। इस आसान डेफिनेशन को अगर हमने अगर बजाय इसको समझने के, वो ये है कि ऑन पेज एसईओ वो एसईओ है जो हम अपनी साइट के ऊपर करते हैं, विच इंक्लूड एनीथिंग जो हमारी साइट पे हो, इवन इंटरलिंकिंग जो हम अपनी साइट पे करते हैं वो भी हमारी ऑन पेज एसईओ का हिस्सा है, और जो हम अपनी साइट के अलावा दूसरी साइटों पर करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, उसको हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ऑफ पेज एसईओ का, आई नो आप लोगों को पहले से पता होगा, बट मैं फिर भी एज ए रिविजन पूछ रहा हूँ, और जिनको नहीं पता उनको पता चल गया, ठीक हो गया। अच्छा ऑफ पेज एसईओ करते क्यों हैं और रोल ऑफ ऑफ पेज एसईओ है क्या। बेसिकली मैं आपको लेके चलता हूँ पुराने टाइम में, जब 1999 में जब गूगल स्टार्ट हुआ था, गूगल वाले दे वर वेरी कंसर्न कि हम कैसे अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवाएं, ठीक है, कैसे किसी भी कीवर्ड के ऊपर आ जाए टॉप पे, उनको इस चीज़ में था, सोच में पड़े हुए थे। तो फाइनली उन्होंने इसका आइडिया निकाला कि जो चीज़ ज़्यादा डिस्कस होती है हम उसको ऊपर ले आएंगे, और जो चीज़ कम डिस्कस होती है हम उसको नीचे ले आएंगे, और यही वो स्ट्रैटेजी है जो आज 2017 में किसी हद तक वैलिड है, कि जो चीज़ ज़्यादा ऊपर ज़्यादा डिस्कस होती है उसको वो ऊपर ले आते हैं, जो चीज़ कम होती है उसे कम ले आते हैं वेब के ऊपर। वेब है वर्ल्ड वाइड वेब, www के ऊपर, ठीक है, वेब के ऊपर। अच्छा अब चूंकि ऑफ पेज एसईओ का रोल इतना ज़्यादा सॉलिड है कि वो उनका क्राइटेरिया ये है कि जनाब जो चीज़ ज़्यादा डिस्कस होती है, पुराने ज़माने में तो हाली एफ ऑफ पेज में बैकलिंक्स आते थे, ठीक है, जिसमें लिंक बिल्डिंग होती थी, मगर अब एक वेब वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया में एक नई चीज़ आई हुई है, वह है सोशल मीडिया, ठीक है, उसका भी एक स्ट्रॉन्ग रोल है। इवेंचुअली गूगल ने यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत मैटर करना शुरू कर दिया, मोबाइल डिवाइसेस होना, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, एवरेज टाइम स्पेंट होना चाहिए, वो सारे ऑफ पेज फैक्टर्स वो सारे विद पैसेज ऑफ टाइम और एडवांसमेंट के साथ आए, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ की इम्पोर्टेंस जो है आज भी है, कल भी रहेगी, और देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी एक आसान सी मिसाल देता हूँ। हम मार्केटिंग के लिहाज से डिस्कस करते हैं, आपने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, और आप उसकी मार्केट नहीं कर सके तो आपकी वो प्रोडक्ट बेकार है, ठीक है, जब लोगों को पता ही नहीं है तो वो लेंगे कैसे। और आपने एक प्रोडक्ट बनाई है जो एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है, मगर लोगों को उसका पता है, लोग उसको सुनते हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट कामयाब है। वो एवरेज प्रोडक्ट होके भी कामयाब है और वो आला प्रोडक्ट होके भी नाकाम है, क्यों, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दोनों के साथ फ़र्क है। इसी तरह ऑफ पेज एसईओ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ऑन पेज जितना मर्जी अच्छा हो जाए, जब तक कि आप उसकी ऑफ पेज नहीं करेंगे आपको मेहनत होगी, मुश्किल होगी प्रोडक्ट को बेचने में। ये नहीं है कि आप रैंक नहीं करेंगे, रैंक कर जाएंगे, शायद चांस लग जाए, बहुत ही ईजी कीवर्ड मिल जाए, या आप तीसरे चौथे पांचवें पेज तक आ जाएं, मगर आपको पहले पेज पे आने के लिए आपको इसका धचका लगाना पड़ेगा ऑफ पेज का, ठीक है जी। आप तक अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो वो कर ले, क्योंकि हम आगे अब जाने लगे सम टर्म्स के ऊपर जो हम डिस्कस करनी आगे से। कोई सवाल हो प्लीज प्लीज साथ साथ आप लोगों ने करते जाना है, ठीक है, कोई इसमें हेजिटेशन नहीं है। अच्छा अब आता है डोमेन अथॉरिटी। अच्छा डोमेन अथॉरिटी ना बेसिकली ये मूज का एक क्राइटेरिया ही, गूगल का कोई क्राइटेरिया नहीं, गूगल का नहीं है, ये सिर्फ टर्म्स हैं जो एक स्ट्रैटेजी है जो यूज की जाती है। एसईओज हम यूज करते हैं कि यार डिफाइन करने के लिए कि यार गूगल किस एक साइट को कितना पसंद करता है, ठीक है। अब जैसे हम आगे केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे एक नई साइट आई है, उसमें लाखों रुपया लग गया है,
वो साइट रैंक नहीं कर रही, यूट्यूब के पेज आया जनाब सीधा ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के पेज के साथ डोमेन अथॉरिटी है, उसकी एक डोमेन एज है। डोमेन एज क्या होती है? सिंपल है जी, एज ऑफ द डोमेन, डोमेन की उम्र, उम्र क्या है, जितनी पुरानी डोमेन होगी उतनी ज्यादा गूगल का समझेगा कि यार इतने सालों से बिजनेस में है। देखें डोमेन एज के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, तो देखें आपकी लेट से कि अगर आपने आज नया ब्रांड निकाला है, गूगल आपको फॉरन फर्स्ट दिन रैंक नहीं करेगा। गूगल को यार ये सीरियस स्टार्टअप है, नहीं है। जब आपकी डोमेन जैसे पुरानी होती जाती है ना, कहते हैं हाँ यार दिस पीपल आर सीरियस इन द बिजनेस, 1 साल पहले भी थे, 2 साल पहले भी थे, 3 साल पहले भी थे, तो यार उनके चांसेस रैंक होने के हाई हो जाते हैं। ठीक है, ये अकेला नहीं है कि डोमेन एज होना लाजमी है, ये वेरियस फैक्टर्स हैं। कोई सी 4-5 फैक्टर आपके हो जाए तो आपकी डोमेन रैंक हो जाती है। इट्स अ वेरी गुड फैक्टर, मगर अगेन इट्स नॉट कंपल्सरी। बट अगर आपकी डोमेन पुरानी है तो आपका ये प्लस बेनिफिट है। अच्छा, सेकेंड टर्म है EMD डोमेन। EMD का मानी होते हैं एग्जैक्ट मैच डोमेन। इसमें क्या होता है, यूजुअली लोग अपने कीवर्ड्स अपनी डोमेन में डाल देते हैं। लेट्स से अगर मेरा कीवर्ड है iPhone 7, तो मैंने अपनी वेबसाइट लिया हुआ है जनाब buyiphone7.com, ये मैंने डोमेन ले लिया है, तो क्या ये एग्जैक्ट मैच डोमेन है? ठीक हो गया। तीसरी चीज, चौथी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो है पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी ये भी मोज ने डेवलप किया हुआ है, ये पेज की वैल्यू डिफाइन करती है। अब पेज अथॉरिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हमारे पास डोमेन अथॉरिटी है? पेज अथॉरिटी की इसलिए ज़रूरत पड़ती है बिकॉज अगर आप कोई भी कीवर्ड पे देखें, लेट से अगर हम जाते हैं और जाके हम कहते हैं कि अब ये देखें, ये तो डोमेन अथॉरिटी तो इसकी है, अब ये पेज भी तो रैंक हो रहा है ना, जो PlayStation 4 है, ये तो पेज है। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएट करना होगा डोमेन अथॉरिटी को और पेज अथॉरिटी को, इसलिए मोजिला ने एक पेज अथॉरिटी बनाई है, ताकि हर कीवर्ड पे, ये तो नहीं है ना कि आपकी मेन डोमेन ही रैंक होगी। ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है आपका अंदर का पेज रैंक हो रहा हो। जैसे लेट से मैं कहता हूँ कि हमने एक देखा बाय iPhone 7 टर्म, हम एक लेट से सर्च कर लेते हैं, या और यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्लैश ऑफ क्लैन चीट्स। ठीक है, हम दो तीन चीज, अब यहाँ ये देखें कि ये एप्पल का मेन पेज नहीं रैंक हो रहा, एप्पल का अंदर का पेज रैंक हुआ हुआ है। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप कि एप्पल का अंदर का पेज रैंक हुआ हुआ है। अगर हम इसको और खोलें आसानी के लिए, तो ये देखें अंदर का पेज रैंक हुआ हुआ है। इसकी अथॉरिटी डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी तो हाल ही ये बता देगा apple.com का कितना ट्रस्ट और क्या वैल्यू है। पेज को डिफाइन करने के लिए हम यूज करनी पड़ती है पेज अथॉरिटी। ठीक है, आप देखिए यहाँ भी क्लैश ऑफ क्लैन में जरूरी नहीं है मेन पेज रैंक हो रहा, अंदर पेजेस, अंदर के पेजेस रैंक हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, इसके अलावा एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, किसी को पता है एंकर टेक्स्ट क्या होता है? क्या होता है बताएं, एक्सप्लेन करें एंकर टेक्स्ट क्या है, अगर रिटन में बता सकते हैं, उर्दू में बता सकते हैं तो वो बताएं मुझे। जिस टेक्स्ट पर लिंक बनते हैं, जिस टेक्स्ट पर लिंक बनाते हैं, जी बिल्कुल सही, जमान भाई ने भी सही कहा, रमजान भाई ने भी बिल्कुल सही कहा, यार आप लोगों ने A1 कहा और इसी बात के ऊपर जो है फिरदौस की लोन आप लोगों की हुई। ठीक हो गया, अच्छा असल बात यह है कि एंकर टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट है जो बैकलिंक्स के साथ होता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए, सबके लिए समझने में मॉडल को आसानी रहे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, बट फिर भी एज अ रिविजन। अब ये देखें, ये यहाँ पे देख रहे हैं बाय का वर्ड, ये बाय के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एंकर टेक्स्ट है, और जो इसको क्लिक करेंगे तो हम असल में हाइपरलिंक पे चले जाएंगे। ये बाय का वर्ड एंकर टेक्स्ट है। इसी तरह अगर मैं अपनी किसी आर्टिकल को खोलूँ, और लेट्स से हमने यहाँ पे इस आर्टिकल मैंने कहीं कुछ नहीं लिंक किया हुआ, तो सैड विद दिस थिंग। तो चले मैं लेट्स से इस आर्टिकल को खोलता हूँ। अब ये देखें, ये क्या, इट्स सुपर इजी टू गेट अ वेबसाइट लॉन्च्ड लॉन्च। तो ये देखें, ये मेरा एक जा रहा है दूसरी मेरे पेज के ऊपर। ठीक है, ये मेरा एंकर टेक्स्ट है जिसके जरिए मैं हाइपर लिंक बनाया हुआ है। ठीक हो गया, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट पे आते हैं, सर नॉट मेरिट फॉर दोस्त की लोन, ना दें कुछ और दे दें।
अच्छा आप डेनिम की जीन्स ले लें, फिर दोस्त की लोन तो जो है फिर आप ले, ये मुस्तकबिल के लिए काम आ जाए क्या पता। और अगला है सोशल सिग्नल। सोशल सिग्नल्स क्या होते हैं? सोशल सिग्नल्स बेसिकली वो डिस्कशन है जो सोशल मीडिया पे आपकी वेबसाइट के बारे में होता है, उसे सोशल सिग्नल्स कहते हैं। उस डिस्कशन को, उस बातचीत को जो आपकी वेबसाइट के बारे में लोग करते हैं सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, गूगल प्लस है, स्टम्बलर अपॉन है, माई स्पेस है, यूट्यूब भी आ जाता है, लिंक्डइन है, और लिस्ट पूरी भरी पड़ी है, रेडिट है, ये सारी सोशल सिग्नल्स आ जाते हैं, ठीक है, पिंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे अब चूंकि ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड वेब पे सोशल मीडिया भी आ गया हुआ है, तो इसीलिए गूगल ने सोशल सिग्नल्स को भी वैल्यू देना शुरू कर दिया है कि जो चीज यहाँ पे ज्यादा डिस्कस होगी उसको हम रैंकिंग पे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे से डिस्कस करते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स क्या हैं। ये मैं डेफिनेशंस मुझे पता है आप लोगों को पता होंगी, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, और जिनको पता है उनके लिए रिवीजन हो जाए एक दफा। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आज के लेक्चर की बेस है, इसीलिए डेफिनेशंस को हम पढ़ रहे हैं। इनबाउंड लिंक क्या है? इनबाउंड लिंक क्या है? अच्छा ये है जो आपकी वेबसाइट को लिंक आता है दूसरी वेबसाइट से, उसे हम इनबाउंड लिंक कहते हैं, ठीक है। लेट से कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम एक दिखाते हैं, मैथ्यू वुडवर्ड की ना एक है, इनकम राउंडअप है दिसंबर का, ठीक है। इसको हम खोलते हैं जर्नल। अब ये देखें, अब ये जो आर्टिकल का लिंक जा रहा है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, ये इसका आउटबाउंड लिंक है, क्योंकि ये इसकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को जा रहा है, ठीक है। तो ये मैथ्यू वुडवर्ड के लिए alizra.co का आउटबाउंड लिंक है, क्योंकि ये इसकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे जा रहा है, और मेरे लिए ये इनबाउंड है, क्योंकि ये किसी और की वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट इनबाउंड और आउटबाउंड का समझ आ गया? बहुत आसान है, डेफिनेशन मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं असल में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। बाकियों को भी कोई सवाल हो अभी कर लें, इनबाउंड आउटबाउंड के बारे में जो सवाल हो कर लें, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। इनबाउंड लिंक क्या होते हैं और आउटबाउंड लिंक क्या होते हैं? इनबाउंड वो लिंक होते हैं जो दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर जाते हैं, और आउटबाउंड वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है। बाकी मेरे साथ इतने ज़्यादा लोग हैं, दानिश भाई हैं, रजा भाई हैं, गोहर है भाई हैं, अयूब भाई हैं, रजा भाई हैं, जमान भाई हैं, और भी भाई जो हैं, सबको समझ आ गया है ना? ये बता दें प्लीज मुझे, ताकि मैं कहूँ मेरे साथ ही, मैं अकेले लगा हुआ। ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया। अच्छा अब हम आते हैं एक चीज के ऊपर जो हमें पहले डिस्कस करनी चाहिए, तो थोड़ा सा नीचे कर ली। वो क्या है जी? बैक लिंक्स और लिंक बिल्डिंग है क्या? बैक लिंक्स बेसिकली एक इनकमिंग हाइपरलिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर, जो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को जाता है, जैसे कि मैथ्यू वुडवर्ड से मेरी वेबसाइट को जा रहा है, तो ये एक बैक लिंक है, ठीक है। इसका जनरल नाम ही बैक लिंक है, इसके आगे से टाइप है इनबाउंड और आउटबाउंड, ठीक है। आगे से अब लिंक बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग एक प्रोसेस है, इसको हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा बट एक चीज हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि हर चीज अच्छी है अपनी जब लिमिट में हो, जब हम उसको डाइवर्सिफाई करके करें। रोज ही हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, हम आगे जाके बोर होना शुरू हो जाएंगे, फिर कहेंगे यार एक तो रोज हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, कभी घर का भी खाना चाहिए, दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, एक ही रेस्टोरेंट से क्या कभी कहीं और भी जाना चाहिए, कभी कहीं और भी जाना। जैसे कि हमारी लाइफ है वैसे ही ऐसी हो है कि हम एक ही चीज को करते जाएंगे, एक ही स्ट्रेटेजी को करते जाएंगे, ना गूगल को अच्छी लगेगी, ना हम अच्छी लगेगी, हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, गूगल भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ना वो आपको रैंकिंग देगा और ना आपको रैंकिंग मिलेगी, ठीक हो गया। अच्छा अब हम आते हैं ऑफ पेज में होता क्या क्या है, बेसिकली होता क्या है, कौन कौन से लिंक्स टाइप होते हैं, ठीक है। ये एक जनरल टाइप है जिसके जरिए आप ऑफ पेज जैसे जिसमें आप अपने बैकलिंक्स बना सकते हैं। एक तो तरीका है सोशल बुक मार्किंग सबमिशन का, ठीक है। आपको कहेंगे ग्रुप पे कहेंगे तो मैं आपको 300-200 वेबसाइट्स बता दूंगा सोशल बुक मार्किंग की, जहाँ पे जो फ्री है, जहाँ पे सबमिशन करना, मैं आपको वो भी बता दूंगा जो सर्विसेज एज हमारी कंपनी देती है। अगर आपने इस प्रोसेस को इजी करना हो और आउटसोर्स करना हो, तो आपको हम उसके भी पैकेजेस दे देंगे,
खुद से करना होता है आपको फ्री लिस्ट भी मिल जाएगी, आप वहाँ पे बता दीजिएगा आपको सोशल बुक मार्किंग की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड है ब्लॉग पोस्टिंग है, फिर आर्टिकल सबमिशन है, प्रेस रिलीज सबमिशन है, फॉरम पोस्टिंग है, फॉरम ब्लॉग कमेंटिंग है, रिव्यू पोस्टिंग है, आरएसएस फीड सबमिशन है, वीडियो वीडियो सबमिशन है, फिर उसके बाद प्रोफाइल क्रिएशन है, ये दूसरी जैसे वेबसाइट है discus.com, इन वगैरह के ऊपर प्रोफाइल क्रिएशन, फिर लिंक व्हील है, फिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल सिग्नल्स हैं, पीपीएन है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स, ठीक है। अभी तो हम जनरल इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम आगे जाके डिटेल में हर एक एक मेथड को जो है हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि हमें हर एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। आज जो है थोड़ा सा हम इसको एक सिर्फ हमने सिर्फ चेक करना था, सिर्फ हमने जो है ना एक आइडिया लगाना था। असल जो हमें ऑफ पेज एसईओ का मजा आएगा वो हमें आएगा जब हम अपने कंपेटिटर के साथ साथ कर रहे होंगे, तो हमें उसमें मजा आएगा कि हाँ यार क्या कर रहे हैं ये, इसको मैं देखूँ ये कैसे स्ट्रेटजी चला रहा है, उसकी स्ट्रेटजी करते हुए हमें ज्यादा मजा आएगा। अब आगे आते हैं, एक और इम्पोर्टेंट साइंस जो हमें समझनी थी वो ये है टायर टू और टायर थ्री बैकलिंक्स, ये कौन से होते हैं, किसी को पता है टायर टू और टायर थ्री बैकलिंक्स का? अगर जिसको पता है तो वो बताए। अच्छा नहीं नहीं पता, अच्छा ठीक हो गया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए लेट से कि मैंने एक वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग बनाया, ठीक है, इसका नाम रखा अली डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम, ठीक हो गया, ठीक है। अब अली डॉट वर्ड प्रेस डॉट कॉम से ये मेरी वेबसाइट पे जा रहा है अली रजा डॉट सी ओ, ठीक है, इसे हम कहते हैं टायर वन बैक लिंक, ठीक है, ठीक हो गया। अब मैंने आगे से क्या किया, अब मैंने किया ये कि एक डॉक्यूमेंट शेयरिंग की वेबसाइट पे मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया जिसका नाम मैंने रखा एक्स वाई जेड डॉट डॉक्यूमेंट वेबसाइट डॉट कॉम, इससे मैंने बैक लिंक फॉरवर्ड कर दिया अली डॉट वर्ड प्रेस डॉट कॉम पे, और अली डॉट वर्ड प्रेस डॉट कॉम जाके लिंक कर रहा है अली रजा डॉट सी ओ को, ठीक है। तो ये हो गया टायर टू बैक लिंक, ठीक है। नहीं मैं वेब टू पॉइंट जीरो नहीं, किसी भी वेबसाइट से हो जाए, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये टायर वन बैक लिंक होता है जो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट को जा रहा हो, इसे हम कहते हैं टायर वन बैक लिंक, ठीक है। इसका मतलब है डायरेक्ट लिंक, ये है डायरेक्ट लिंक, ठीक है। इसमें आप एक बात समझने की क्या है कि जो ये वेब 2.0 है इसकी ना कोई डोमेन अथॉरिटी है ना कोई इसकी वैल्यू है, ये हमने फ्रेश डोमेन बनाई है जिससे हम वैल्यू पास करना चाह रहे हैं अली रजा डॉट सी ओ को, मगर ये भी तब पावर, ये अच्छी वैल्यू तभी देगी जब इस अली डॉट वर्ड प्रेस डॉट कॉम पे बैकलिंक्स आएंगे, ठीक हो गया। अली डॉट वर्ड प्रेस डॉट कॉम एक फारिग ब्लॉग है जिसपे हमने एक अच्छे सा आर्टिकल लिख के अली रजा डॉट सी ओ पे लिंक कर दिया, मगर अली डॉट वर्ड प्रेस डॉट कॉम की वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक हम एक और उसके ऊपर बैकलिंक्स ना बनाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने थर्ड स्ट्रेटजी क्या की कि मैंने सोशल सिग्नल्स पास किए किसको, एक्स वाई जेड डॉट डॉक्यूमेंट को, ठीक है, और ये यहां पे चले गए, अब ये टाई थ्री बैकलिंक्स हो गए, ठीक है, अब ये और लिंक पावरफुल हो गया, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं सोशल सिग्नल्स अपनी तीनों जगह पे पास करूं, सोशल सिग्नल्स में पास करूं टाई थ्री पे भी प्लस टायर टू पे भी प्लस टायर वन पे भी, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरी तीनों टायर्स वेरी स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। यूजुअली जैसे स्क्रैप बॉक्स है उसके जरिए स्पैमिंग लिंक्स हम मेन डोमेन पे करेंगे तो हमारी वेबसाइट नीचे चली जाएगी, मगर अगर हम टायर टू या टायर थ्री पे करेंगे तो इट्स क्वाइट सेफ। अगर एक्सपायर्ड वेब 2.0 फाइंड किया जाए तो उसकी वैल्यू होगी, अच्छा हाँ जो टम्बलर है वीबली है उनके एक्सपायर्ड वेब 2.0 है उनकी वैल्यू होगी, वो हम डिटरमिन करने का, वैल्यू डिटरमिन करने का तरीका क्या है कि
कि हम आगे कंपैटिटिव एनालिसिस में डिस्कस करेंगे भी, जिसका जी उसके बैकलिंक्स कितने हैं, उसका पीएडीए कितना है, और जनाब उसके सोशल सिग्नल कितने हैं, और वो उसकी एज क्या है। अगर तो वो सब चीज़ें थी तो वो वेब 2.0 उसकी वैल्यू है, वो एक्सपायर्ड वेब 2.0 की वैल्यू है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने टायर 2 एंड टायर 3 के। किसी को समझ आए ये कॉन्सेप्ट टायर 2 और टायर 3 बैकलिंक्स का, लिंक बिल्डिंग का? अच्छा, आज हम बड़ा बेसिक सा करेंगे टायर। हमने बेसिक से इंट्रोडक्शन दिया हमने ऑफ पेज एसईओ को। मैं वो नहीं चाहता कि हम एक ही टाइम में इसको समझ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि हम दोबारा एक और लेक्चर विद इन इसी वीकेंड या मैक्सिमम संडे तक रख लें, ताकि हम इसी को रेनो में निकले बगैर हम इसी को दोबारा से आगे लेके चलें। अच्छा, अब दानिश भाई कह रहे हैं कि एक बार फिर समझा देंगे सर प्लीज। जी दानिश भाई, मैं एक बार आपको फिर समझा दूंगा मैं, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूं कि आपको मैं अपने क्लाइंट की एक स्ट्रेटजी दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, आपको उससे बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको, हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है, उनकी ना मैं आपके सामने रिपोर्ट खोलता हूँ, ठीक है, आप उसको देख के ना बेहतर समझ जाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, आप ये देखें, ये एक हमारा क्लाइंट है, इसकी डोमेन है इजी शॉपिंग डॉट ए, ठीक है। ये दुबई का हमारा क्लाइंट है, ठीक है। लेट से हम इनकी डोमेन पहले खोल लेते हैं, ठीक हो गया। ये डोमेन नजर आ रही, मैं आपको टाइप टू और टाइप थ्री को समझाने के लिए जो है ना, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, यह आपको, अच्छा, अब हमने इसको अब हम आते हैं वापस, हमने इनके जो काम किया वह काम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने इसके लिए एक महीने में क्या काम किया, जो 28 मार्च को जो हमने उनको रिपोर्ट भेजी थी उसमें क्या था? अच्छा, आप ये देखें, अच्छा आप ये देखें, उनके हमने इतने ज्यादा बैकलिंक्स बनाए कि वो भी खुश हो गए, ठीक है। ये उनकी पीबीएन पोस्ट हैं, ये वेब 2.0 ब्लॉग्स हैं। अच्छा, अब हम खोलते हैं, ये ब्लॉग खोलते हैं, ठीक है। लेट से ये ब्लॉग खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, तीन ब्लॉग्स मैं आपके सामने खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, ये खुल गया हुआ है, ठीक है। अब ये जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग दुबई, और ये मेरी वेबसाइट को जा रहा है, ठीक है। ये है टायर वन बैक लिंक, लिंक बिल्डिंग, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक कर रहा है मेरे इजी शॉपिंग की क्लाइंट की वेबसाइट को, ठीक है। अब इसी तरह एक और वेबसाइट ब्लॉग है, ठीक है, ये भी डायरेक्ट लिंक कर रहा है मेरी क्लाइंट की वेबसाइट को, ठीक है। ये है टायर वन, ठीक हो गया। इसी तरह ये एक और है, ये है टायर वन बैक लिंक, ठीक है। ये डील्स इन यूए, ये भी डायरेक्ट लिंक कर रहा है मेरे क्लाइंट की वेबसाइट को, ये है टायर वन। समझ आ गया टायर वन कॉन्सेप्ट? जी रमजान भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है, लगता है आपको उसको बाद में भी समझना पड़ेगा, इसलिए आप रिकॉर्डिंग का पूछ रहे हैं। जी मैंने वैसे भी ने पहले बोला था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट है जिसको मैं समझना। अच्छा, आप गोहर भाई का क्वेश्चन है, ये जितने भी टायर टू के या थ्री के लिंक्स हैं इन पे आर्टिकल यूनिक होने चाहिए, टायर वन में गेस्ट पोस्ट भी आ जाती है। जी बिल्कुल, टायर वन में गेस्ट पोस्ट भी आ जाती है। अच्छा मैं बताता हूँ, जो टायर टू और टायर थ्री है ना गोहर भाई, उस पर हम स्क्रैप कंटेंट भी, स्क्रैप मतलब के रीरिटन कंटेंट भी यूज कर सकते हैं, स्पर्ज कंटेंट भी यूज कर सकते हैं। जो यूनिकनेस है वो टायर वन तक ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टायर वन आपका यूनिक होना चाहिए, टायर टू पे रीरिटन कंटेंट भी चलेगा, स्पर्ज कंटेंट भी चल जाएगा, टायर थ्री पे भी चल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे सामने क्लियर हो गया
टायर वन बैक लिंक, ये अब टायर वन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लाइंट को, जब हमने आगे से भेजा टायर टू, ठीक है, ये है टायर टू, इसका मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये है टायर टू और इसी में है टायर थ्री, नहीं इसका टायर टू तक ही था, मैं आपको टायर टू भी दिखा लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे है 3000 सोशल बुक मार्क्स। अब मैंने एक बुक मार्क को खोला, ठीक है, और अब आपके सामने खोल के दिखाता हूँ ये कहाँ जाती है। इसको बंद कर देते हैं। अच्छा अब ये कहाँ जा रही है, इसको खोलूँ मैं, इस लिंक को खोला मैंने, तो ये जा रही है इस वेबसाइट पे, जो इस वेबसाइट का नाम है 500px.com/photo, ठीक है, इस पे जा रही है, ठीक है। और ये किधर से जा रहा है, ये जा रहा है मेरी वेबसाइट पे यहां से, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये है टायर टू बैकलिंक, ठीक है, ये था बैकलिंक टायर टू, यहां से जा रहा है इस वेबसाइट को, और ये वेबसाइट लेके जा रही है हमारे मेन क्लाइंट की वेबसाइट पे, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ आया टायर टू का? दानिश भाई आपको भी आ गया समझ ये कॉन्सेप्ट, ये वाला जो है, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं, यहां से बैक लिंक जब जा रहा था मेरी वेबसाइट को, तो ये बैक लिंक इतना स्ट्रांग नहीं था क्योंकि ये तो एक सिंपल डिस्कशन है। हमने इसको पावरफुल करने के लिए क्या किया कि हमने टायर टू पे इसको यहां से इधर भेज दिया, एक और इसका बैकलिंक बना दिया। अब मैं इसका एक और बैकलिंक बनाऊंगा तो उसका नाम होगा टायर थ्री होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब जैसे हमने विकी विकी मीडिया के बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, वो भी हम इसी तरह बनाए हुए हैं। लेट से हम ये खोल देते हैं, इसमें तो है कोई मसला आ गया है, लेट से हम ये खोल देते हैं। अब ये देखिए ये कहां जा रहा है, ये डायरेक्टली जा रहा है tulework.com की एक डिस्कशन में जा रहा है, ठीक है। अब इस डिस्कशन में हमारे आर्टिकल को ये जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग यूएई पे, देख रहे हैं आप, ये यहां से कौन सी वेबसाइट खुलेगी, हमारी वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। और अभी इस वेबसाइट पे जितना काम हो रहा है मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं हमारे एसईएम रश पे, ये वेबसाइट ऊपर पे ऊपर जा रही है ट्रैफिक वाइज, क्योंकि अब बहुत हैवी किस्म का हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट में से है तो हम चार्ज भी अच्छा कर लेते हैं, तो थोड़े बहुत पैसे भी से आ जाते हैं, ठीक है। बट हमारे पास तो टीम है, हम इसके कुछ ऐसे हमारे पास कोशिश करेंगे आप लोगों को भी एक इंसेंटिव वाले पैकेजेस दें कि अगर आपने काम हमारी टीम से करवाना हो तो आपको मार्केट से बहुत अच्छे रेट के ऊपर हो जाएगा, आपने खुद करना हो मोर देन वेलकम। आई एम नॉट मार्केटिंग माई सेल्फ, हमें ज़रूरत नहीं है क्लाइंट्स की, पर्सनल तौर पे मैं इतना ज़्यादा मार्केटिंग करता हूँ सर्विसेज को लोकल मार्केट में भी, इट्स बिकॉज का अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंटेज अच्छी है, बट फिर भी एज अ फेवर आप लोगों को चाहिए हो तो जो मार्केट में रेट देते हैं हम या जो हमने दिया हुआ उससे आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा। अच्छा आप यहाँ ये देखें, ये देख रहे हैं आप एकदम से उठी है, ये एकदम से मार्च के ऊपर चली गई बिकॉज हम वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। सर हमारे पास कितनी टीम है, हमारे पास गूगल एडवर्ड्स और पीपीसी फेसबुक एड के मिला के कोई है अराउंड 12-13 बंदे हैं, ठीक है, जो हमारा सारा ये देखते रहते हैं। अब देखो ये एक कीवर्ड है जिसपे 12,000 सर्चेज हैं, उस पर नंबर टू पे रैंक कर रहा है, ठीक है, आपने देखा ये क्रेजी डील पे ये नंबर टू पे रैंक करना शुरू हो गया है और ये ट्रैफिक भी मेजर आ रही है, अब यहाँ से ये उठ के ऊपर चला गया है। सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं कि हमारा काम कैसा है और ये चीज़ें आपको भी वैल्यू करेंगी, आप लोगों के लिए भी वैल्यू होगी ये वाली चीज़ें। अच्छा अब इसको बंद करते हैं, वापस आते हैं अपनी टायर टू और टायर थ्री को, तो हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट को, ठीक है, हम आते हैं वापस इसके ऊपर।
ठीक है, अब तक आपको समझ आ गया टाई टू टाई थ्री? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लेनी, इसके बाद हम आगे चल रहे हैं एंकर टेक्स्ट के ऊपर। अच्छा ओके हो गया, बेस्ट हो गया जनाब, सबको समझ आ गया, बेस्ट हो गया, ओके हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एंकर टेक्स्ट के ऊपर। एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट क्या था, क्या था, क्या था एंकर टेक्स्ट, क्या था, किसी को याद है? मैं तो भूल गया। एंकर टेक्स्ट किसी को याद है? कोई बता दे दोबारा। बता दे, जिस टेक्स्ट पर बैकलिंक्स बनते हैं, टेक्स्ट ऑन विच वी कैन क्रिएट बैकलिंक्स। जबरदस्त हो गया, मजे की बात हो गई, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। और एक आसान बात बता दो, इतनी मुश्किल बात ही नहीं थी, ठीक हो गया। जिस टेक्स्ट पर बैकलिंक बनते हैं, जबरदस्त हो गया। अच्छा अब हमने करना है डाइवर्सिफाई क्यों करना है, ठीक है? डाइवर्सिफाई हम इसलिए करना है, ठीक है, ताकि हमारे बैकलिंक प्लान बने नेचुरल रियल, ठीक है, हमारी बैकलिंक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए नेचुरल रियल, ठीक है। इसी वजह से हमने शो करना है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई करने के कुछ तरीके हैं जो आप लोगों के सामने पेशे खिदमत हैं, ठीक है, उनको एक दफ़ा देखिएगा। उसमें से नंबर वन है एंकर टेक्स्ट में से हम अपने बैकलिंक्स बनाएं अपने डोमेन नेम के एंकर के साथ। लेट से कि जब मेरा डोमेन का नाम है अली रजा डॉट सी ओ, तो मैं इसी के साथ अब मैं बनाऊं अली रजा, चूंकि एक नाम है, ब्रांड है, तो इसके साथ मैंने बना दिया अली रजा। कि अगर मैंने बैकलिंक बनाया जो जाता हो, पॉइंट करता हो मेरी डोमेन को, तो ये मेरा डायरेक्ट बैकलिंक हो गया, ठीक है। अब लेट से इसको मैं जाके मैं करता हूँ इंसर्ट हाइपरलिंक की तरह, ये है कमांड कंट्रोल से जाता है, ठीक हो गया। असल में मैक के ऊपर जो है ना विंडोज की कमांड चलती नहीं है ये जनाब। अब ये है मेरे अपना डोमेन का नाम और मैं इससे जा रहा हूँ बगैर डॉट सी ओ वगैरह के, तो ये है ब्रांडेड एंकर, ठीक है। हम इसके ज़रिए भी एंकर टेक्स बनाएंगे, ठीक है। लेट से हम इसकी वैल्यू रखते हैं कि हमारे जो टोटल बैकलिंक्स बने उसमें से 10% जो बैकलिंक्स हैं वो इस तरह से आने चाहिए, ब्रांडेड एंकर से आने चाहिए, ठीक हो गया। सेकंड चीज़ है जेनेरिक एंकर। जेनेरिक एंकर्स हैं जैसे कि बाय नाउ, चेक इट आउट, ट्राई नाउ, गेट इट नाउ, ठीक है। हमने इनके ज़रिए भी आना है, हम इनके ज़रिए जितना डाइवर्सिफाई करेंगे उतना आसान है, उतना हम लॉन्ग लास्ट चलेंगे, हमें गूगल की पेनल्टीज कुछ नहीं कहेंगी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर तक हम इस एंकर टैक्स प्लान को चलेंगे, ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे मैं बाय नाउ है इसके साथ, लेट से मैं इसके साथ भी जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह मैं चेक इट आउट इसके साथ भी मैं जा रहा हूँ। अब इसी तरह है ट्राई नाउ, ठीक है, मैं इसके साथ भी जा रहा हूँ, ठीक है। इसकी हम वैल्यू भी रखेंगे 10%, ठीक हो गया। हमारे टोटल लेट से अगर हम 100 बैकलिंक्स बनाते हैं तो उसमें से 10 बैकलिंक्स हमें आनी चाहिए हमारे नाम के साथ, जो वेबसाइट का नाम हो। 10% आने चाहिए बाय नाउ जैकेट, चलो आप इसको 15% कर दें, ज़रा ज़बरदस्त हो जाएगा काम। 25% तो हमारे इसी तरह बैकलिंक्स आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे इमेज एंकर, इमेज जो इमेजेस होती हैं जो हमारे, लेट से अब आपको मैं बता दूं इमेज एंकर के जरिए कैसे रैंक होता है, मैं आपको इसके भी साइंस समझाता हूँ, ठीक है। हम लेट से इधर आते हैं, हम अली डॉट सी ओ के ऊपर ही समझते हैं इसको। अब यहाँ ये देखें कि ये हैं इमेज बैकलिंक्स जो मेरी वेबसाइट जो अंदर आर्टिकल्स को जा रहे हैं, ठीक है, ये इमेजेस के जरिए जा रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया। हर अब हम इसको जब इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने आएगा हमारा ऑल टैग आएगा और जनाब उसमें पता चलेगा ये किस से है। अच्छा ये मुझे, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ यहाँ पे कोडिंग को देखने के लिए, लेट से हम इसकी जगह पे इसके देख लेते हैं। नहीं नहीं इन पे नहीं लगाया था, याद है, इन पे नहीं लगाया था मैंने, इस पे लगाया हुआ है। बाकी अगर मैं कहीं से यहाँ से क्लिक करूँ तो इस ऊपर मैं लगाता हूँ, तो लेट से हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इस पे ऑल टैग लगाया हुआ है, अच्छा भैया यहाँ से तो नहीं नज़र आ रही, कोडिंग से नज़र नहीं आ रहा, बट ऑल टैग होता है जो आपने नाम होता है इमेज का। अच्छा अगर मैं देखूं कहीं और से आ जाए, अच्छा
लेट से अगर मैं इस आर्टिकल में जाता हूँ, नहीं जेनेरिक मीन्स को जो लोग कहते हैं ना जेनेरिक मीन्स जनरल, ये एक्चुअली इसको बेहतर तो है, कहते हैं कॉल टू एक्शन, सीटी के एंकर्स कहते हैं, जेनेरिक जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। इनका मतलब होता है जनरल कॉल टू एक्शन जो है ना उसको हम लेते हैं, जैसे कि बाय नाउ, चेक इट आउट, ट्राई नाउ, उससे लिंक करना। ठीक है, इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा चलिए यूज, मैं आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जाके दिखाता हूँ कि ऑल टैक्स लगता कैसे है। अच्छा ऐसा है, लगता है मेरे मैनेजर ने ना इसको पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो मैं अब आप लोगों के सामने पंगा नहीं लूंगा ज़्यादा। ठीक है, बट कैसे और कौन सी साइट का दिखाऊं? अच्छा बट फॉर द टाइमिंग हम यही समझ लेंगे जो इमेज का नाम है उसे हम ऑल टैग कहते हैं। ठीक है, और ऑल टैग में डैशेज यूज़ करनी चाहिए, ऑल टैग में मर्जी है, डैशेज यूज़ आप कर सकते हैं, नहीं करें ना करें, आपके अपने ऊपर है। ठीक है, हमारा जो इमेज एंकर्स हैं नॉट कंपलसरी, इसी हम 0 to 5% में रेंज रखेंगे, इससे ज़्यादा हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ब्रांड प्लस कीवर्ड एंकर्स आते हैं। ठीक है, इसमें लेट से अब मैं कीवर्ड एंकर्स पर टारगेट करूँ, उसका नाम है मेकिंग मनी ऑन फाइवर। ठीक है, अब ये मेरा बन गया ब्रांड प्लस कीवर्ड एंकर। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा ब्रांड भी इंक्लूड है और मेरा कीवर्ड भी इंक्लूड है। ठीक है, ये मेरा एनीवेयर 15 to 25% ये मेरा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का एंकर टेक्स्ट मेरे प्लान होना चाहिए जिसमें मैं इस तरह से रैंक करूं अपने कीवर्ड को कि जनाब मेरे ब्रांड नेम भी आया, कीवर्ड नेम भी आया। फिर इसके बाद आता है एग्जैक्ट मैच एंकर। ये एग्जैक्ट मैच है कि जनाब जो आपका एग्जैक्ट कीवर्ड है, जैसे मेरा लेट से मेरा कीवर्ड है मेकिंग मनी ऑन फाइवर। ठीक है, अच्छा मैं इसको भी ना, मैं इसको जो है 20% to 30% तक मैं रखूँगा, इससे ऊपर मैं आपको जाने की इजाज़त नहीं दूंगा कि हमने इसकी अपने एग्जैक्ट डोमेन को हमने इससे ज़्यादा करना है। ठीक है, हमारा जो मेन कीवर्ड है उसे जो बैकलिंक्स जाएंगे वो 30% से ज़्यादा हमारे ऊपर नहीं जाने चाहिए, उससे ज़्यादा जाएंगे तो खतरा होगा। तो इसलिए लोग करते क्या हैं कि एक ही कीवर्ड एक ही पेज पे 2-3 कीवर्ड्स को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 कीवर्ड्स कंबाइंड है। ठीक है, लेट से मेरा कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, और ये डाल दिया मेकिंग मनी ऑन फाइवर। अब मेरे 2 कीवर्ड कंबाइंड हो गए। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होगा, मैं दोनों कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा हूँ, मेकिंग मनी ऑनलाइन पे भी रैंक करूँगा, मेकिंग मनी ऑन फाइवर पे भी रैंक करूँगा, और डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा कि ये कीवर्ड लेता है, ये कीवर्ड लेता है, ये कीवर्ड लेता है, ये तीनों किस पे रैंक कर रहे हैं मेरी वेबसाइट पे। ठीक हो गया, इसकी यूजली मैं परसेंटेज 10% तक रिकमेंड करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए तो 15% मैक्सिमम मैक्सिमम करके मैं करता हूँ मजबूरी के तहत, इससे ऊपर आपने इसमें नहीं जाना। ठीक है, अब आता है लॉन्ग एंकर। लॉन्ग एंकर क्या है, ये लेट से मैं कहता हूँ लेट मी टीच यू हाउ टू मेक मनी ऑन फाइवर, हाउ टू मेक मनी ऑन फाइवर। ठीक है, और अगर ये मेरा लिंक करता है, ठीक है, तो ये मेरा इसमें मेरा कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ऑन मेकिंग सॉरी मेक मनी ऑन फाइवर, ये जैसे लेट से हम कहते हैं जनाब मेकिंग मनी ऑन फाइवर, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, तो ये भी हमारा इसके साथ ही आ गया लॉन्ग एंकर में, ये भी आ गया इस, ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन का लिंक बनाने का तरीका है। ठीक है, और आई डू रिकमेंड कि हम इस पे एनीवेयर फ्रॉम 5% to up to 20% तक हम डाइवर्सिफिकेशन ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग एंकर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा नेक्ड एंकर। ठीक है, ये हमारा है मेन। अब इसमें क्या है, जो और जो मिसाल दी जा सकती है वो ये है कि लेट से इसमें मैं जाता हूँ डॉट लेट से
ठीक है जी, और इन सब बैग लिंक्स को मैं कर दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये मेरे बन के नेक्ड एंकर बन गया, ठीक है। ठीक हो गया, समझ आ गया नेक लिंक एंकर, सबको समझ आ गया ये। क्योंकि अब इसके बाद आने लगा एक सवाल, अब आएगा सवाल, और इसका हमने नाम रखेंगे जनाब सवाल, ठीक है। सवाल ये है कि जनाब जब 30% टू 50% हमारे की टारगेट कीवर्ड से टारगेट कीवर्ड एंकर से लिंक आ रहे हैं, तो बाकी लिंक्स क्या वेस्ट हो रहे हैं, किसी के जेब में सवाल तो नहीं आया? क्यों नहीं आया? अगर नहीं आया तो क्या होगा जी? रमजान भाई ने सही कहा जनाब, उससे डोमेन की अथॉरिटी बन रही है और कोई इसके अलावा, एक तो बने डोमेन अथॉरिटी, डोमेन ट्रस्ट, ठीक हो गया। एक तो बात है कि कहते हैं ना मेहनत कभी रायगा जाती ही नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लेना है, ठीक है। हमारा कोई भी बैकलिंक वेस्ट नहीं हो रहा, असल में हम लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम एक डाइवर्सिफाइड लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारी क्या है कि हमारे बैकलिंक की डोमेन अथॉरिटी बन रही है, ठीक है, वो हम आगे जाके बताऊंगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा डोमेन अथॉरिटी का फायदा क्या है, डोमेन ट्रस्ट का फायदा क्या है। एक बहुत बड़ा फायदा मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, मगर वो रिकॉर्ड नहीं होगा, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्टिवली इस क्लास में भी बैठे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए। अच्छा, हमेशा याद रखें कि जनाब उन बैकलिंक, उन साइटों से लिंक्स लेना अवॉइड करें जिन पर 100 से ज्यादा लिंक्स बने हों, ठीक है। एक वेबसाइट है, एक पेज, मतलब लिंक बिल्डिंग है इस पेज से, वेबसाइट से नहीं पेज से, कि कोई पेज के ऊपर 100 से ज्यादा बैकलिंक्स जा रहे हो कि दूसरी वेबसाइटों पे, उस पेज से लिंक लेने का इतना फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। आपके बहुत ज्यादा इररेलीवेंट कीवर्ड्स हो, गार्बेज लिंक्स हो जनाब, यूजलेस ब्लॉग स्पैमिंग वगैरह हुई हो, कोई लिंक्स का फायदा नहीं। हिडन लिंक्स बनाया, उसके बाद कीवर्ड स्टफिंग की हो, कोई फायदा नहीं। सेम टाइप ऑफ लिंक से कोई फायदा नहीं। डाइवर्सिफाई कामयाबी आपका कामयाबी कुंजी है। अब इसके बाद हम आते हैं मेन चीज के ऊपर, ठीक है, जिसके लिए आज का हमने सेशन रखाया था, वो है कि जनाब हमने लाइव केस स्टडी डिस्कस सुनी थी, यूट्यूब वर्सेस वेबसाइट ऐसी होगी, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आप लोगों के सामने एक साइट दिखानी है, ठीक है, जो और तो इंशाल्लाह 15-20 दिनों तक नंबर 1 पेज पे रैंक हो जाएगी, पर अभी थोड़ा सा उसको टाइम है। बट साइट के 1.5 महीने बाद मैंने एक यूट्यूब का वीडियो बनाई और वो जनाब ऊपर आ गई है, और जो साइट जिसपे $1200 स्पेंड हो गए, बैकलिंक्स बनाए, अच्छा कंटेंट लिखा, ये हुआ वो हुआ, फिर भी वो उससे नीचे रैंक कर रही है। और हालांकि वो यूट्यूब का वीडियो भी वो उसी को रैंक कर रही है, मगर यूट्यूब की वीडियो पे स्पेंड किया है $10, वो भी स्क्रैप बॉक्स से बैकलिंक्स बनाए हैं, ठीक है, उसे लिए, वो बल्क में वो ले लिए 40,000 ब्लॉक कमेंट ले लिए, और वो जनाब नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, और वो अभी भी करके पेज 3 पे रैंक कर रहा है। क्या आप लोग देखना चाहते हैं ये वेबसाइट, देखना चाहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसके लिए रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूंगा इस सेशन की, ठीक हो गया। अब रिकॉर्डिंग का मैंने बटन ऑफ कर दिया। असल चीज मैटर करती है, वो है डोमेन ट्रस्ट। आपने देखा होगा कि विकीपीडिया का एक आर्टिकल आए तो वो जैसे ही एकदम से कीवर्ड्स पे फॉरन नंबर 1 पे रैंक कर देता है, ठीक है। वो हम लोग बैकलिंक्स बना बना के मेहनत कर करके 3 दिनों में ऊपर आते हैं, यूट्यूब का पेज आता है, वो वहाँ का पेज आता है तो जनाब वो नंबर 1 पे आ जाता है, ठीक है। असल कॉन्सेप्ट यहाँ से कि यूट्यूब की डोमेन का ट्रस्ट अथॉरिटी इतनी ज़्यादा है कि जनाब को यूट्यूब के ऊपर हम डालेंगे ऑन पेज ऐसे अच्छी करें, 2-4 लिंक्स बनाएं, थोड़ा सा सोशल सिग्नल करें, तो हम भी वही चीज़ बेनिफिट ले सकते हैं जो कि हम $1000 खर्च करके दूसरी वेबसाइट पे लेते हैं। पर माइनस पॉइंट यूट्यूब का क्या है, वो ये है कि यूट्यूब आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी डोमेन नहीं है, कल को आपकी वीडियो सस्पेंड हो सकती है, आपका इतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस कंट्रोल नहीं कर सकते डोमेन पे, क्योंकि आपका तो वीडियो आप दिखा सकते ना मेन पेज पे, बार बार अपनी बैनर्स नहीं लगा सकते, अपनी ऐड नहीं लगा सकते, वो चीज़ों के फ़र्क है। बट क्या कहते हैं, फ़ायदा यूट्यूब का ये कि यूट्यूब पे जल्दी रैंक हो जाती है। मैं तो क्या करता हूँ, यूट्यूब से अपनी वेबसाइट को रैंक करता हूँ, यूट्यूब को ऊपर लेके जाता हूँ और उससे अपनी वेबसाइट को बैकलिंक दे देता हूँ, जनाब डैट वर्क्स एज वेल। अब यूट्यूब पे
एक और बेनिफिट यूट्यूब का ये है, यूट्यूब के ऊपर आप जितनी मर्जी स्पैमिंग स्पैमिंग कर ले लिंक्स की, तो आपको मसल नेगेटिव एसईओ नहीं होती, क्योंकि यूट्यूब किसकी प्रॉपर्टी है, गूगल की, और गूगल उसको डी रैंक तो करेगा नहीं। अब जिस तरह विकीपीडिया के ऊपर आप जितनी मर्जी स्पैमिंग कर लें, बैकलिंक्स बना लें, जो मर्जी कर लें, विकीपीडिया का भी नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि विकीपीडिया डोमेन पे अथॉरिटी ट्रस्ट बना हुआ है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी अथॉरिटी ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी है जो मैंने बैकलिंक्स की है, अब तक अब दूसरे पेज पे आ गए हैं, कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये हमने किया है। बट इवेंचुअली आप देखेंगे एक के अलावा कई और कीवर्ड्स पे रैंक हो रहे हैं, या पैसे हमने एक कीवर्ड पे नहीं लगाए, कितने कीवर्ड्स पे लगाए हैं, इंशाल्लाह आगे विद द पैसे ऑफ टाइम आप लोग देखेंगे कि हम इस वेबसाइट को अप्रैल के एंड पे या मई के स्टार्ट पे देखेंगे ये नंबर वन फर्स्ट पेजेस पे सब पे रैंक कर रही हूँ। तो उसे टाइम लगता है, मगर ये हार्डवर्क पेज ऑफ। अब हम आते हैं वापस कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस क्या है? कंपेटिटर एनालिसिस जो है बेसिकली मार्केट में सर्वे करना है कि आपके मार्केट में हो क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमेशा मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आपको मार्केट का पता ना हो, मार्केट में पंगा नहीं लेना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। मार्केट का रूल असूल ये है कि आपको पता होना चाहिए आप कंपेटिटर्स कर क्या रहे हैं। आप लोग मार्केटर्स हैं, एसईओ प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ा मसला मैं फील करता हूँ कि वो अपने आपको ट्रैफिक लेके आके समझते कि जनाब वी आर द किंग। नो सर, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। आप मार्केटर हैं, एसईओ मार्केटिंग की फील्ड है, मार्केटर हैं आप, ठीक है, इंटरनेट मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, और एज ए डिजिटल मार्केटर आपके पता होना चाहिए आपके कंपेटिटर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर वो कामयाब है तो क्यों कामयाब है, और आप कामयाब नहीं है तो आप क्यों नहीं कामयाब। इट्स ऑल अबाउट डेटा, मार्केटिंग इज अबाउट डेटा। लिखा हो यानी कामयाब है तो क्यों है, मैं कामयाब नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, ये चीज़ मेरे पास क्लियर कट होनी चाहिए, मेरे पास लिखी होनी चाहिए, यार ये वजह है जिसकी वजह से ये कामयाब, ये वजह है जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हूँ, ठीक हो गया। डोंट स्टार्ट रैंकिंग अनटिल अनलेस यू नो द मार्केट, दिस इज द रूल आई रियली सजेस्ट, ठीक है। कंपेटिटर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर कोई फील्ड में जाएं, आप देखें कि एक कीवर्ड के ऊपर 10 जो आ रहे हैं वेबसाइट, उनका क्या डाटा है। लेट्स से अगर हमारा कीवर्ड है जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं, उसका नाम है टॉप गेम्स प्लेड इन पाकिस्तान, अगर ये मेरा कीवर्ड है तो मुझे पता होना चाहिए कि जनाब जो 10 वेबसाइटें आ रही, मैंने उनका बायोडाटा करना है, पूरी छानबीन निकालनी है कि यार ये वेबसाइटें कौन सी हैं, क्या हैं, कैसे रैंक हो रही हैं। अच्छा, अब क्या मैट्रिसेस हैं जिनकी बुनियाद पर मैं वेबसाइट को चेक करूँगा कि ये वेबसाइट का डाटा लूँगा, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसमें जो ऑन पेज है, ऑन पेज में हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये, नंबर वन तो है कंटेंट और अमाउंट ऑफ वर्ड्स के, जी कितने अमाउंट का आर्टिकल है, जो पहले पेज के लिखे हैं वो 1000 वर्ड का आर्टिकल आ रहे हैं, 2000 वर्ड का है, 500 का है, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक हो गया। सेकेंड चीज़ हमें देखनी पड़ेगी साइट का स्ट्रक्चर, साइट का आर्टिकल पढ़ के मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छा बुलेट पॉइंट्स में बनाया हुआ है, हेडिंग्स बनाई हुई हैं, H2, H3 हेडिंग्स हैं या नहीं है, हैं या नहीं है, प्रॉपरली बुलेट पॉइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, इमेजेस डाली हुई हैं, वीडियो है या नहीं है, इंटरलिंक एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल को लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा, एक्सटर्नल आपके अथॉरिटी आउटवे लिंक्स हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पे अपनी वेबसाइट पे अथॉरिटी वेबसाइट जैसे विकीपीडिया, इन वेबसाइट या यूट्यूब का या कोई EDU डोमेन या कोई ट्रस्टेबल सोर्स को लिंक कर रहे हैं, ठीक है, या कंपेटिटर कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारा टाइटल कितना अट्रैक्टिव है, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल्स ऑन द वेबसाइट वो कितने हैं, ठीक है, और एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑफ अ यूज़र ऑन द वेबसाइट, ठीक है, आपके हाल में क्या है, ठीक है। देखिए रमज़ान में फर्स्ट 3 को नहीं देखना चाहिए, देखना हो तो टॉप 10 को देखें। पता है होता क्या है, यूजुअली जो फर्स्ट 3 वेबसाइट्स होती है ना, इन्होंने हैवी काम किया होता है, ठीक है, आप ये फर्स्ट 3 देखे कहते हो यार छोड़ो बड़ा ये काम हमने नहीं करना, बहुत मुश्किल है, असल गेम आपको पता चलेगी पेज 1 पे। देखें अगर आप पेज 1 पे आ गए ना, तो आप में खुद एक मोटिवेशन है कि यार मैं पेज 1 पे आ सकता हूँ तो मैंने टॉप पे क्यों नहीं आना, ठीक है। और वैसे भी अगर पेज 1 पे आप आ गए हैं ना, तो यहाँ पे गेम होती है टाइटल की। टाइटल की गेम में आप लोगों को आगे समझाऊंगा कि टाइटल अट्रैक्टिव बना के कैसे पोजीशन छेड़ी जा सकती है अपनी, ठीक है, वो साइंस में आगे जाके समझाऊंगा। बट फिलहाल
हमें ये समझना चाहिए कि 3 के ऊपर हमारा डाटा नहीं बन सकता, मैं डाटा बनेगा तो 10 के ऊपर बनेगा, फर्स्ट पेज के ऊपर हमारा डाटा बनेगा। 3 के ऊपर बनाने की कोई गलती नहीं करनी, 3 से आप बना के डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार ये तो मुश्किल है, छठो पर मिट्टी पाओ, ये वाली चीज मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि हम हर चीज कर सकते हैं, और हर चीज कब करेंगे जब हमारे पास फर्स्ट पेज का डाटा होगा। फर्स्ट पेज में यूजली जो 3 होती है ना, टॉप 3 वेबसाइट ने हैवी काम किया होता है, बाकी ने हल्का किया होता है। तो हम देखना ये कि यार हम टॉप 4 में आ जाए, 5 पे आ जाए, क्योंकि आज हम 5वें नंबर पे आएंगे तो क्या पता 2 महीने बाद हम पेज 3 पे भी आ जाए, क्योंकि हमारा इवेंचुअल गोल जो है ना वो पेज 1 का रिजल्ट 1 है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर पोजीशन 7 पे होंगे तो कोई पैसे नहीं कमाएंगे, कोई ट्रैफिक नहीं कमाएंगे। फर्स्ट पेज पे हम होंगे तो जनाब ट्रैफिक भी कमाएंगे, पैसे भी कमाएंगे, ठीक हो गया। इसीलिए हमारा टारगेट है हमने पेज 1 पे आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब आगे हम चलते हैं ऑफ पेज एसईओ। हमने ऑफ पेज एसईओ जो है उसमें हमने क्या क्या समझना है, देखें हमारे कंपेटिटर का जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए उसकी डोमेन की एज, कितनी पुरानी एज है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, बैकलिंक्स टू द डोमेन और बैकलिंक्स टू द पेज ऑफ द डोमेन, हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अगर अभी देखा हो, अगर मैं अपने YouTube की वीडियो खोलूं तो ये जो लिंक था ये लिंक मेरी मेन डोमेन को नहीं जा रहा था, बजाय ये जा रहा था अंदर के पेज को लिंक जा रहा था, ठीक है। इसी तरह हमें जो है हमें देखना पड़ेगा उस इंटरनल पेज के कितने बैकलिंक्स हैं, उस एक्सटर्नल पेज के कितने सोशल सिग्नल्स हैं, उस एक्सटर्नल पेज के मतलब पेज के बैकलिंक्स, फिर मेन डोमेन के टोटल बैकलिंक्स कितने हैं, मेन डोमेन पर सोशल सिग्नल कितने हैं, और ओवरऑल ऑल पेजेस के ऊपर कितने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि जनाब ओवरऑल ऑल पेजेस ऑफ डोमेन, ठीक है। हम इसके जरिए एनालाइज करेंगे कि जनाब हम कुछ चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सवाल है रजा भाई का कि सर एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए कितने ब्लॉग्स और कितने आर्टिकल्स और कितने बैकलिंक्स होने चाहिए, हमें ये देखना पड़ेगा। इसके लिए रजा भाई आपको पुराने लेक्चर पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने कीवर्ड डिफिकल्टी को डिस्कस किया था। हर कीवर्ड की डिफिकल्टी के मुताबिक हम प्लान बनाएंगे, फिर उसके मुताबिक करेंगे। देखें नंबर 1 तो बात यह है कि कोई लिमिट नहीं है आपके 10 आर्टिकल 10 बैकलिंक के बाद आपको पता चल गया। लेट्स से अगर आप पेज 2 पे हैं तो आपको और बैकलिंक बनाने पड़ेंगे पेज 1 पे आने के लिए। पेज 1 पे आगे क्या पता आपके यार मेरे बैकलिंक बनने से तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, अब मैं क्या करता हूँ जनाब, मैं अपनी वेबसाइट को एडिट करता हूँ और इसमें कॉन्टेंट और डालता हूँ, आपकी वेबसाइट उससे उठ जाएगी, आप अपनी यूजर एक्सपीरियंस और ऊपर करेंगे उससे उठ जाएगी, फिर यार मैं 4थे नंबर पर फंस गई है। आप अट्रैक्टिव सा टाइटल बनाएंगे, इतना अट्रैक्टिव टाइटल होगा यूजर कहेगा यार ये 3 वेबसाइट का इतने अट्रैक्टिव। में देखे ना आपकी ये सेल पेज है, ये आपका सर्च रिजल्ट सेल पेज है, जिसका सारा टाइटल मजेदार होगा उसको क्लिक करेंगे। और अगर लेट से कि इस आर्टिकल को सबसे ज्यादा क्लिक होते हैं तो गूगल ऑटोमेटिकली उठा के इसको 3rd से नंबर 1 पे कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि यूजर इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है बजाय इसके, ठीक हो गया। ये एक साइंस है जिसको हम आगे भी समझेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं अपनी रिवीजन। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, किसी को याद है हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है, कोई बताएगा आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, बताते जाएं फिर। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, व्हाट आर बैकलिंक्स, हमने एंकर टेक्स्ट भी डिस्कस किया, हमने कंपेटिटर एनालिसिस पार्ट 1 डिस्कस किया, हमने डेफिनेशंस की डिस्कस जिसमें डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, आउटबाउंड लिंक्स, इनबाउंड लिंक्स, हमने इनको डिस्कस किया। और हमने क्या क्या डिस्कस किया,
हमने थोड़ा सा यूट्यूब वर्सेस एसईओ को, वेबसाइट एसईओ किया, ऑल तो हम इसको और डिटेल में करेंगे चूँकि रैंकिंग ही चेंज हो गई है 15 मिनट पहले, ठीक है। हमने एंकर टैक्स प्लान को डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है कि हमारा एंकर टैक्स प्लान कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर एक हमारी ऑफ पेज की एसईओ चेकलिस्ट है, हमने उसको डिस्कस किया कि बैकलिंक्स कैसे हमारे होनी चाहिए। फिर हमने एक चीज डिस्कस की जिसको सब लोग भूल गए हैं, वो है Tier 2 और Tier 3 लिंक्स, ठीक हो गया। Tier 2 और Tier 3 बैकलिंक्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। फिर हमने EMD डोमेन्स और डेफिनेशन वगैरह जो है और भी पढ़ी, वो बहरहाल हमारी और थी, उसी का पार्ट है, ठीक है। आज का लेक्चर कैसा रहा, अपने ओपिनियन आप लोग दे दें, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग कर लें। अच्छा चलें, जज़ाकअल्लाह खैर, आप लोगों को अच्छा लगा। कोई कौन चलें, बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऐसे अच्छा ओपिनियन दे देते हैं। अच्छा रमज़ान भाई ने कहा कि CF और TF देखना चाहिए। असल में ना ये मजिस्ट्री के हैं, मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको भी डालूंगा, फिर मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमें इतने में नहीं जाना चाहिए। देखिए हमें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा लिंक अच्छा है कौन सा नहीं। आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि हमने स्ट्रैटेजी करनी ये क्या है कि हमने कंपेटिटर के बैकलिंक्स को एनालाइज करने, हमने देखने उसको कौन कौन सी साइटों से लिंक आ रही है, ठीक है। हमने उन बैकलिंक्स को देखने, देखें अगर वो इन्हीं बैकलिंक्स के साथ कामयाब है तो हम भी इसी तरह के बैकलिंक्स के साथ कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। जो आपको PADA बताएगा ना, वैसे आपको CFTF बताएगा, CATA बताएगा, वो साइटेशन फ्लो है, हाँ, और ट्रस्ट फ्लो, उसका जो मेन है TFCF, उसका डेफिनेशन ये साइटेशन फ्लो ट्रस्ट फ्लो, वो भी वही चीज़ है जो PADA है, दोनों में फ़र्क नहीं है। वो PADA मोज वालों का है और CFTF मजिस्टिक वालों का है, ठीक है। आपको खुद अपने देखना पड़ेगा, आपको अपनी तौर पर कि यार ये बैकलिंक ट्रस्टेबल है या नहीं है। अगर मेरी वेबसाइट को PADA अच्छा मिला हुआ है ना, तो फिर मुझे CFTF भी अच्छा मिला हुआ है। अगर मेरी वेबसाइट को CFTF भी अच्छा मिला हुआ तो उसका मतलब क्या, मुझे PADA भी अच्छा मिला हुआ। बट हमने हर वेबसाइट को इंडिविजुअली खुद से देखना है हमने देखना है हर वेबसाइट जो हमारे जहाँ से बैकलिंक लेना है वो कितने कीवर्ड पे रैंक कर रही है SEM रश के जरिए गूगल पे, ताकि पता चले गूगल इसको पसंद कर, तो उसके कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, उसका PADA क्या है, उसका CFTF क्या है, ठीक है। हमारे सामने ये डाटा हमने खुद से लेना है। ये तो आसान जो रास्ते हैं जनाब, PADA निकालना और CFTF निकालना, बट ये मैं आपको बता दूं कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के सिमिलर है। ये नहीं होगा कभी कि आपको PADA अच्छा मिल जाए CFTF बुरा मिले, दोनों आपको अच्छे ही मिलेंगे हमेशा। वो एक अलग अलग मजिस्टिक वालों का है और वो मोज वालों का है, ठीक हो गया, ठीक हो गया रमजान भाई। चले ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, अच्छा मैं रमजान भाई क्वेश्चन है कि CFTF DAPA चेक करने के लिए पे टूल्स यूज होते हैं, क्या आप कोई फ्री साइट बता सकते हैं जो जो सही बताए। हमने हर वेबसाइट के देखने सोशल सिग्नल्स देखने कितने मिले हुए और इसको बैकलिंक्स कितने मिले हुए। हम कोशिश करेंगे कि जनाब ये हम फ्री में टूल्स के जरिए करें बजाय पे टूल्स के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करके दिखाऊंगा फ्री टूल्स के जरिए कि हम डोमेन के बैकलिंक्स हमने निकालने हैं और हमने उसको सोशल सिग्नल निकालना है, ठीक हो गया। मैं अभी के अभी जो है ना इसको करके मैं मेल कर देता हूँ जमान भाई को, ताकि लेट ना हो जाए और सब कुछ जल्द अज जल्द मिल जाए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।